अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आप लोग सबके साथ आज बहुत ही आसान सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ बिरयानी की, वो तो आपको देख के ही पता चल गया है। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत आसान सी एक रेसिपी के साथ हैदराबादी बिरयानी, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इंडिया की जो हैदराबाद है वहाँ की जो मशहूर बिरयानी है बहुत मशहूर है, दिल्ली की बिरयानी भी मशहूर है, हैदराबादी बिरयानी भी बहुत मशहूर है। तो ये हैदराबाद के स्टाइल की बिरयानी है, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी बनती है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट बनने वाली ये बिरयानी है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले मैंने ना एक पतीले में पानी ले लिया है। अच्छा, अब उसके अंदर मैंने दो ग्रीन चिलीज, एक तेज़पत्ता, एक स्टार अनस, दो लौंग, तीन ब्लैक पेपर, अच्छा 3 pinch जीरा और 3 tablespoon मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल के इसे उबालने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी इसका उबल गया मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए, 1 kilo मेरे चावल थे, इसे मैंने भिगो दिया था 1 घंटे के लिए, सेला राइस था तो वो मैंने उबाल लिए। और इसके बाद जैसे ही 1 करनी रह गया तो मैंने इसे ड्रेन कर लिया था, ठीक है। अब मैंने चिकन के लिए चिकन 1 kg ले लिया है और इसे अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। मैरिनेशन के लिए मैंने 250 ग्राम योगर्ट, 2 tablespoon रेड चिली फ्लेक्स, 2 tablespoon सॉल्ट, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon हल्दी, 1 tablespoon मैजिक मसाला और 1/2 tablespoon गरम मसाला पाउडर मैंने इसके अंदर डाल के इसे मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। अब इसके अंदर मैंने 2 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने 2 टमाटर लिए थे, इससे मैंने ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, वो भी मैंने अब इसके अंदर ऐड कर दिया है। 2 tablespoon चिली पेस्ट भी मैंने ऐड कर दिया है, आप ग्रीन चिलीज को पेस्ट बना लें और ऐड कर दें। 2 बिरयानी के सैशे थे, उसमें से मैंने 1.5 अभी डाल दिया है, आधा मैं बाद में डालूंगी तो 1.5 अभी मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब मैंने एक बर्तन में मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और कुछ गर्म मसाले ले लिए थे साबुत, और 1 तेज़पत्ता ले लिया था। वो जैसे ही थोड़ा सा कड़कने लगा, खुशबू आने लगी, मैंने इसके अंदर मैरिनेशन पेस्ट डाल दिया। अच्छा अच्छा, अब देखिए मेरे ये चावल उबल गए थे तो मैंने इसे साइड पे रख दिए हैं। अब मैंने ना आलू उबालने के लिए 1/2 kg आलू ले लिए हैं, 1/2 tablespoon हल्दी और 1/2 tablespoon मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाल के इसे उबालने के लिए रख दिया था, ठीक है। अब देखिए मैंने एक जगह पर दही ले लिया है 250 ग्राम, उसके अंदर 1/2 tablespoon ऑरेंज फूड कलर और 3 drops ऑफ केवर एसेंस डाल के अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो मैंने मैरिनेट किया था चिकन वो मैंने 30 मिनट के लिए किया था, आधे घंटे के लिए मैंने मैरिनेट किया था चिकन को, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये सालन जो है ना थोड़ा सा भूनने की स्टेज पे आ गया, थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो गया, तो मैंने इसके अंदर जो आलू उबल गए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और 1 lemon juice भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, 1 lemon juice, 1 lemon का जूस भी डाल दिया है, ठीक है। अच्छा, सीड्स निकाल लीजिएगा ताकि वो कड़वा ना हो जाए सालन, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे घुमा लिया है, जैसे ही ये मुझे लगा कि चिकन और आलू दोनों हो गए हैं और तेल भी इसका हल्का हल्का छोड़ने लग गया है, तो मैंने इसके साइड साइड पे चिकन करके और इसके अंदर मैंने जो दही के अंदर मैंने फूड कलर और ऑरेंज फूड कलर डाल के मैंने पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। अब मैंने इसके ऊपर चावल भी डाल दिए हैं। अब मैंने इसके ऊपर 1/2 sachet जो मसाला मैंने बचाया था बिरयानी का वो मैंने डाल दिया है और अब मैंने इसे दम पे रख दिया। अब एक पैन में मैंने 1/2 cup ऑयल ले लिया और 1 प्याज ले लिया, इसे अच्छा से मैंने देखे प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया है और मैंने इसको भी चावल के ऊपर तड़का लगा दिया है और इसे दम पे मैंने 15 मिनट के लिए रख दिया था। 15 मिनट बाद मैंने खोला और ये देखिए बिरयानी अब बिल्कुल खाने के लिए रेडी है, लेकिन मैं इसे पूरा नहीं घुमाऊँगी, कहीं पर वाइट और कहीं पर कलर वाले चावल रहने दूँगी, इसी तरह से मैं निकालूँगी। आप ये देखें, आपको खाली उलट पलट करके दिखा रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी है। आप खाएंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बिल्कुल बाहर की बिरयानी खा रहे हैं, इसका कलर भी ऐसे ही आएगा। अच्छा, आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।